माउंट कार्मेल स्कूल वैजनाथ में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एसडीएम वैजनाथ डॉ. मुरारी लाल ने शिरकत की तथा जनरल मैनेजर माउंट कार्मेल स्कूल फादर इब्राहिम मेटाथनील ओसीडी ने विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की। मुख्य अतिथि के पहुंचने पर निदेशक फादर गेम्स वेल्सरी तथा प्रिंसिपल सिस्टर करुणा ने स्कूल बैंड के साथ उनका स्वागत करते हुए पंडाल तक लाए। सिस्टर करुणा ने आए हुए मेहमानों का स्वागत किया तथा स्मृति चिन्ह प्रदान किए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके बाद स्कूली बच्चों द्वारा लाइटिंग द लैंप, दीप प्रस्तुति, वेस्टर्न सॉन्ग लव राइट्स एस टुगेदर, बॉलीवुड कॉकटेल, प्यारा भारत, न्यारा भारत, मातृवंदना, जागृति इत्यादि प्रस्तुतियां देकर आए हुए जन समूह का खूब मनोरंजन किया तथा तालियां बटोरी। वहीं स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट स्कूली बच्चों द्वारा पेश कर आए हुए लोगों को स्कूल की गतिविधियों से अवगत करवाया। फादर इब्राहिम ओसीडी ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों का संपूर्ण विकास करना है, न कि उन्हें किताबी कीड़ा बनना है। इसीलिए स्कूल में बच्चों के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष साक्षी मेमोरियल अवार्ड सातवीं कक्षा की तमन्ना को दिया गया है। एसडीएम वैजनाथ डॉ. मुरारी शर्मा मुख्य अतिथि ने सत्र 2016-17 में ICSE टॉपर में इशिता आजाद, ईशा तथा निवेदिता रिहाल तथा अन्य गतिविधियों में विजेता रहे विद्यार्थियों को सम्मानित किया तथा कहा कि स्कूल का सारा स्टाफ, निदेशक तथा प्राचार्य बधाई के पात्र हैं। वैजनाथ में माउंट कार्मेल स्कूल पर्वतीय क्षेत्रों के लिए शिक्षा का एक बढ़िया मंच है। उन्होंने बच्चों के प्रदर्शन को सराहा। उन्होंने कहा कि शिक्षा बच्चों में विनयशीलता प्रदान करती है तथा विनयशीलता बच्चों में पात्रता प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा बच्चों में सभी गुणों का समावेश करती है जो उन्हें आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों के लिए और जो बच्चे हैं उनके लिए एक अच्छा मंच प्रदान कर रहा है। शिक्षा के विषय में जैसा कि गांधी जी ने कहा था कि एजुकेशन आई मीन ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। उनका कहने का मतलब था कि जो शिक्षा से मेरा संबंध, मेरा जो अर्थ है वो व्यक्ति के, बच्चों के शरीर, उनका मानसिक विकास और सोशल विकास का, उनका जो अध्यात्मिक विकास है वो ही शिक्षा है। तो यहाँ बच्चों की परफॉर्मेंस से मुझे जो महसूस हुआ कि बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उनका जो मानसिक है, शारीरिक है और उनका सोशल विकास है वो भी उनकी परफॉर्मेंस के साथ साथ यहाँ पे झलक, उसकी झलक मिली है। जैसे कि शिक्षा के विषय में हमारे जो प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, कि विद्या से क्या होता है, व्यक्ति बच्चों में विनयता, विनयशीलता, बच्चे विनयशील बनते हैं और वही जो विनयशीलता है वही बच्चों को आगे जीवन में पात्रता, विनय का टीम वर्क भी है। जो जब बच्चे में इन सभी गुणों का समावेश होगा तभी वो अपने जीवन में प्रत्येक जो भी उसके सामने जो भी अवसर प्रदान होगा उसके लिए वो पात्रता का पात्र बनेगा।